मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं बड़ी बात। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही हरियाणा को लकी मानकर बीजेपी लॉन्चिंग पैड यानी जींस से मिशन 2019 का आगाज करना चाहती है, लेकिन इस बार शुरुआत अमित शाह करेंगे। 15 फरवरी को जींद, जब अमित शाह जींद की बाइक रैली में पहुंचेंगे तो उनका ट्रैक्टर सवार जाटलू से सामना होगा। इसके अलावा कांग्रेस और इनेलो यानी कि दोनों विपक्षी राजनीतिक दल दो कदम आगे चल रहे हैं। विरोध की ज्वाला को जीत की कुंजी में तब्दील करने की पूरी कोशिशें की जाएंगी। साथ ही कई बार फेल हो चुकी सरकार की फिर बड़ी परीक्षा होगी। इसमें फेल होने की बात हम कर रहे हैं कानून व्यवस्था के लिहाज से, सवाल होगा सुरक्षा व्यवस्था का, रैली को सफल बनाने का सवाल होगा और सरकार की विश्वसनीयता को साबित करने के लिहाज से यह शाही दौरा सरकार के लिए मनोहर कितना होगा, इसकी उम्मीद कम लगती है। तो अमित शाह जब हरियाणा आएंगे तो पहले सरकार के लिए पहली परीक्षा होगी राजनीतिक विरोध, क्योंकि कांग्रेस और इनेलो दोनों ही अमित शाह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूबे में पहली बार बहुमत में आई बीजेपी सरकार और पहली ही बार विधायक बन पहली ही बार सीएम बने मनोहर लाल खट्टर। अब उनके सामने यूं तो कई बार स्थितियां ऐसी रही जो अपने आप में एक परीक्षा रही। सरकार से सवाल किए गए, सरकार की आलोचना की गई, सरकार का पास या फेल का रिपोर्ट कार्ड विपक्ष तैयार करता रहा। इन्हीं परीक्षाओं की फहरिस्त में एक और सियासी परीक्षा जुड़ गई है। यह अपने आप में काफी अलग और मुश्किल परीक्षा भी मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें सिर्फ विपक्ष और आवाम को ही जवाब नहीं देना है, बल्कि पार्टी और पार्टी सुप्रीमो के सामने भी मनोहर सरकार को खरा उतरने की चुनौती है। जी हाँ, 15 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हरियाणा के जींद पहुँचना है। बाइक रैली को हरी झंडी दिखानी है। शाह के इस दौरे को सिर्फ बाइक रैली के अलावा 2019 की तैयारियों का शंखनाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ पार्टी प्रमुख का दौरा ही होता तो ठीक था, ये उससे आगे मनोहर सरकार की परीक्षा भी है। क्योंकि विपक्ष पहले से ही तैयार है कि अमित शाह का विरोध किया जाएगा। जितना इंतजार बीजेपी को अपने प्रमुख का है, उतने ही इंतजार के साथ विपक्ष भी विरोध करने की बयानबाजी कर रहा है। सिरसा में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हर हाल में अमित शाह का विरोध करेंगे। अमित शाह को रोककर एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा को पानी देने पर जवाब मांगेंगे और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रैली में दिखाएंगे काले झंडे। यही नहीं, अभय चौटाला ने कहा कि शाह अगर हवाई यात्रा से आएंगे तो आसमान में भी इनेलो कार्यकर्ता काले गुब्बारे से उनका स्वागत करेंगे। 15 फरवरी से पहले हमारी चिट्ठी में कोई उसका कोई ऐसा उत्तर देकर के भेजेंगे कि भाई मैं इन सब बातों की जांच भी करा दूंगा, एसवाईएल का नेट का निर्माण भी शुरू कर देंगे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी लागू कर देंगे, वो तो हम उनको हरियाणा आगमन से और अपने संगठन को मजबूत करें, अपनी पार्टी के लिए क्या कार्यक्रम लेके आए, क्या नहीं लेके आए, वो अपना करें, हम इस बात का कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई सही जवाब नहीं आया तो हम 100% काले झंडों के साथ उनका स्वागत करेंगे। उनका नहीं, इस यात्रा में शामिल होने वाले लोग जो मोटरसाइकिलों पर चढ़ करके जाएंगे उनका भी काले झंडों के साथ स्वागत कराएंगे। इनेलो के अलावा कांग्रेस भी साफ कर चुकी है कि अमित शाह के दौरे का विरोध किया जाएगा। पंचकुला में अमित शाह के दौरे का कांग्रेस विरोध करेगी। बिल्कुल, कॉपी भी कर रहे हैं, अभी तो पता नहीं क्या क्या कॉपी करेंगे, अभी तो वो आपस में एक दूसरे को काले झंडे भी दिखाएंगे। अभी हम उनको काले झंडे दिखाने वाले हैं जब वो आएंगे यहाँ पर प्रदेश के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उन्होंने इस प्रदेश का भाईचारा ख़त्म किया, इस प्रदेश को आर्थिक तौर पर ख़त्म किया, यहाँ का आज हर वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, इसलिए सब लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। और लोगों की भावना के अनुरूप ही हमने ऐलान किया है कि जब अमित शाह आएंगे तो हम उनका सब साथी मिलकर के काले झंडे भी दिखाएंगे, उनका विरोध भी करेंगे। विपक्ष का काम है विरोध करना, लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार भी है, आलोचना करना भी स्वाभाविक है। लेकिन अमित शाह का ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है कि बीजेपी जितनी राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की तैयारियों में जुटी है, कोशिशें हैं दौरे को सफल बनाने की, जींद की भूमि से हरियाणा की आवाम में बीजेपी को लेकर नई ऊर्जा का संचार करने की। बीजेपी के मंत्री, नेता, पदाधिकारी मंडल से लेकर राज्य स्तर तक बाइक सवारों और बाइकों की संख्या बढ़ाने में जुटे हैं। वहीं दोनों की विपक्षी दलों की शाह के दौरे की खिलाफत की पहले से की जा चुकी घोषणा
सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती है। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। राजनीतिक खिलाफत होगी, राजनीतिक विरोध होगा और इतना ही होता तो भी काफी था, लेकिन अमित शाह के दौरे पर सरकार के लिए दूसरी बड़ी परीक्षा होगी। जाट समुदाय के विरोध के बीच कानून व्यवस्था को कायम रखना, माहौल को बिगड़ने ना देना, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह के अनुभव सरकार ने किए हैं उनको सरकार दोहराना कतई नहीं चाहेगी। फरवरी जो मनोहर सरकार में जाट आरक्षण आंदोलन के लिए भी जाना जाता है, फरवरी की ही 15 तारीख को सूबे और केंद्र में सत्तासीन दल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं, लेकिन जाट समुदाय ने फिर हुंकार भरी है। शाह की रैली के समानांतर रैली करने, मंच लगाने की घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा ने सरकार की नींद चैन काफूर कर रखा है। सरकार कोशिशों में है कि जाट समुदाय और जाट नेता यशपाल मलिक से सहमति बने। एहतियातन हरियाणा पुलिस की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। छुट्टी पर गए हरियाणा पुलिस के जवानों को तुरंत प्रभाव से वापस बुलाया गया है। सरकार कोशिशों में है कि किसी भी तरह से व्यवस्था ना बिगड़े। गृह विभाग, पुलिस विभाग और गुप्तचर विभाग के अधिकारियों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयारी कर रही है। हरियाणा सरकार ने केंद्र से अर्धसैनिक बलों की कंपनियां मंगाने का भी प्रस्ताव तैयार किया है। ये कदम था जो सरकार ने शाह के दौरे के मद्देनजर उठाया था। इसके अलावा एक और फैसला, जींद रैली से पहले मनोहर लाल सरकार ने जाट आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का अहम फैसला लिया है। राज्य के 11 जिलों के करीब 822 लोगों पर दर्ज 70 मुकदमे वापस लेने के आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिए हैं। इससे पहले खट्टर सरकार पूर्व में भी 153 मुकदमे वापस ले चुकी है। अब वापस लिए जाने वाले मुकदमों की संख्या बढ़कर 223 हो गई है। जारी किया है सारे 11 जिले के उपायुक्तों को, जिसमें 70 केस हैं वापस लेने की हिदायत दी गई है, जिसमें 822 व्यक्ति नामजद थे और ये 11 जिले हैं। और इससे पहले दिसंबर में 15 केस के बारे में हिदायत दी गई थी, जिसमें 47 आदमी नामजद थे, और उससे पहले कुल 138 केसेस के बारे में हिदायत दी गई। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए शाह की रैली के विरोध की रणनीति बनाई गई थी। ये तो बात थी जाट समुदाय की। इसके अलावा गेस्ट टीचर्स ने भी साफ कर दिया है कि अमित शाह के दौरे का वो विरोध करेंगे। लंबे समय से सरकार से अपनी पुरानी मांगों को लेकर गेस्ट टीचर्स भी बीजेपी प्रमुख को सत्ता में आने से पहले बीजेपी सरकार के वायदे याद दिलाने की तैयारी में है। कोई दो राय नहीं, मनोहर सरकार के सामने मुश्किलें तो हैं, लेकिन इस दौरे रूपी परीक्षा में सरकार कैसे पार पाती है, कितनी तैयारियां की जाती हैं, रूठों को कैसे मनाया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही क्या सरकार फौरी राहत देने के लिए घोषणाएं करने पर आएगी। साथ ही सवाल तो ये भी है कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो क्यों सरकार लिफापोती कर रही है, क्यों ना सच का सामना करा जाए, क्यों ना सच का सामना किया जाए, क्यों ना लोगों को शिकायतें कहने का भी मौका दिया जाए। सरकार बिगड़ी हालत पर कितना पर्दा डाल पाती है और कितना ये दौरा सफल रहता है, इस पर निगाहें जरूर रहेंगी। स्पेशल डेस्क खबरें अभी। तो मिशन 2019 की शुरुआत करनी है, बिगुल यहां से फूकना है, हरियाणा से शुरुआत करनी है, खासतौर पर जींद से शुरुआत की जाएगी। लेकिन जो स्थिति फिलहाल हरियाणा में हो चली है, जिस तरह का अल्टीमेटम दिया गया, चेतावनियां दी जा रही हैं, साफ कहा जा रहा है कि जैसे ही अमित शाह पहुंचेंगे विरोध किया जाएगा, उसमें राजनीतिक विरोध भी शामिल है, उसमें जाट समुदाय की ओर से जो खिलाफत की जानी है, समानांतर रैली जो की जानी है वो भी शामिल है, गैस टीचर्स जो अपनी मांगों को एक बार फिर से याद दिलाने जा रहे हैं, और वो भी मांग इसमें शामिल है कि एक बार फिर से मांगे याद दिलाई जाएंगे, एक बार फिर से सवाल किया जाएगा कि पहली कलम से जो बातें मानी जानी थी उसका क्या हुआ। तो कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा ये करेंगे कि शाही दौरा कितना मनोहर रहेगा। हमारे साथ बीजेपी से नीलम चौधरी हैं, स्वागत है आपका। रंजिता मेहता हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे इस चर्चा में। इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ प्रवीण अत्री हैं स्टूडियो में, साथ ही संतोष दहिया सरोखाप की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति से सम्मानित आप हैं और महिलाओं के लिए, साथ ही समाज के लिए कार्य करती रही हैं, स्वागत है आपका। साथ ही सुरेंद्र धीमान हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से, नीलम जी कितनी मुश्किलें रखेंगी आप लोगों को? जी देखिए, 2014 में
11 अक्टूबर को जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी को जब नॉमिनेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो उन्होंने हरियाणा से जींद से शुरुआत की थी। तो वो शुरुआत वो भी एक बहुत शानदार रैली थी, और अभी भी हम जैसे 2019 की तैयारी करना चाहते हैं तो इसीलिए जींद का मैदान चुना गया है। तो उसी तरह से एक और शानदार रैली के साथ जो है इलेक्शन का आगाज किया जाएगा, जिसमें अमित शाह जी आएंगे। और इसके लिए आज जो है बाइक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट जितना टारगेट था वो भी पूरा हो चुका है। तो ये बाइक रैली जो है एक युवाओं का जोश और जो हमारे किए गए काम है। रिपोर्ट देखी अभी जी आपने, रिपोर्ट देखी जो हमने दिखाई आपको जी, कि जाट समुदाय भी विरोध करने की तैयारी में है। इनेलो ने साफ कर दिया है, कांग्रेस ने साफ चेतावनी दे दी है कि विरोध किया जाएगा। तो सवाल ये है मैडम कि मुश्किलें कितनी रहेंगी? जी वो तो है ही, जो विपक्षी दल है वो तो हमेशा इन ऐसे मौकों की तलाश में रहता है जब वो युवाओं को बरगला कर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करना चाहता है जी। आज जैसे आप देखें, आज ही जो जाट समुदाय के जो हमारे केसेस थे उसमें से करीबन जो है 72 मुकदमे जो है, जिसमें से करीबन 822 लोगों के अगेंस्ट जो थे। सवाल तो ये भी है कि अभी मुकदमे वापस क्यों लिए जा रहे हैं? क्या सरकार बैकफुट पर आ रही है? जो मांग लगातार बरकरार थी उस पर बैठकें अचानक से शुरू हो जाती हैं, उस पर अचानक से फैसला ले लिया जाता है, क्या सरकार डर गई है? जी देखिए, मुकदमे वापस एकदम से नहीं लिए जाते, एक लंबी प्रक्रिया के तहत चल रहे थे। और इसमें अभी सारे नहीं है, जो कुछ जो एक गंभीर किस्म के होते हैं जैसे मर्डर वगैरह, उन वाले केसेस को अलग रखा गया। इवन आपको पता होना चाहिए, इससे पहले भी जो है करीबन 223 मामलों में करीबन 2027 केसेस वापस लेने के लिए सवाल ये भी है जो चल रही है, धाराएं लगी। हालांकि रजिता जी, कांग्रेस का पक्ष आप रखिए कि युवाओं को बरगलाने का काम विपक्ष कर रहा है, मौके को भुनाने की कोशिशें आप लोग कर रहे हैं। देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ज्योति, जब ऐसे बयान सुनने को मिलते हैं कि मर्डर की धाराओं को अलग रखा गया है। कौन से मर्डर हुए थे जाट आरक्षण में, पहले तो ये भाजपा की प्रवक्ता बताएं। बात यह है कि आज युवाओं को बरगलाने की बात जो ये भाजपा सरकार कर रही है, इसी तरह का एक कार्यक्रम आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही, पिछले 10-15 दिन पहले या महीना, एक महीना पहले सीएम खट्टर साहब ने पंचकूला के अंदर रखा मीटिंग विद सीएम, युवाओं को स्पेशली बुलाया गया, जगह जगह होर्डिंग पोस्टर बैनर लगाए गए, और युवा ने जाकर जब उनसे दो तीन सवाल पूछे कि आप हमें बेरोजगारी भत्ता कब देंगे, आप जब पंचकूला में पंचकूला जल रहा था तो अब आप कहाँ थे, आपने जो हमें नौकरी देने की बात की थी वो नौकरी आप कब देंगे, उन युवाओं के खिलाफ बाकायदा 6-6 धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उनको जेल की सलाखों के पीछे कर दिया जाता है और उनको बच्चों को बेल करवानी पड़ती है। अभी कांग्रेस को परेशानी क्या है? कांग्रेस को परेशानी क्या है? अगर सत्तासीन जो दल है उसके राष्ट्रीय प्रमुख आते हैं, बाइक रैली निकालते हैं, तो कांग्रेस परेशान क्यों? देखिए हमें परेशानी इस बात की है कि इतिहास बता रहा है कि जब जब अमित शाह हरियाणा की धरती पर आए हैं तब तब उसके 10-15 दिन के बाद हरियाणा जला है। उस परेशानी को लेकर हम परेशान हैं कि हम दोबारा हरियाणा को जलने नहीं देंगे। अमित शाह जी आप आइए, बिल्कुल आइए, पर आपने जो वादे करके 2014 में अभी मैडम बता रही थी कि शानदार रैली हुई थी, जो लोगों को बरगलाया था, झूठे वादे किए थे, युवाओं को वादे किए थे, गेस्ट टीचर्स को वादे किए थे, आशा वर्करों को वादे किए थे, आज वो सब आपसे आपका जवाब मांग रहे हैं। और किस मुंह से आप ये रैली कर रहे हैं? उस रैली के अंदर आप किस मुंह से जवाब देने का तो वक्त होगा, ये जवाब देने का वक्त होगा। संतोष जी मैं आपके पास ही आऊंगी, नीलम जी छोटा सा कमेंट जी। देखिए अभी इन्होंने खुद ही कहा कि ये रैली में किस लिए पार्टिसिपेट, किस उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो अमित शाह जी के आने की रैली है वो एक सक्सेसफुल बनाए रखने के लिए पूरी कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि हमारे एक चुनावी आगाज है। तो सिर्फ इसलिए एक प्रिजम्पशन है कि अगर वो आते हैं तो ये हो जाता है, तो इसलिए 15 दिन की वेट करने के बजाय उसी दिन इन्होंने अपना ज्योति आपको याद दिला दूं, सोनीपत के अंदर रैली हुई तो कविता जैन ये कहती, बस थोड़ी सी मैं अभी 10 सेकंड, तो कविता जैन ये कहती हैं कि हमारी रैली थोड़ी लेट हो गई इसलिए लोग यहाँ पर नहीं आए। जब जींद में इनकी रैली होती है तो इनके वरिंदर जी कहते हैं कि शायद लोगों को मैसेज नहीं मिला इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। राजकुमार में रैली करते हैं तब वो कहते हैं कि अगर एक एक जाना 10-10 जाने भी ले आता तो छुट्टी हो जाती। आपके तो विजय फ्लॉप शो हुए पार्टियों के पहले कमेंट ले, उसके बाद आपके पास पहली चीज तो ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि राजनीति विरोध, नीलम जी से भी कहूंगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी, ये विरोध राजनीतिक नहीं है, ये विरोध है प्रदेश के हकों का। आप जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, अभी जैसे नीलम जी ने जिक्र किया कि मोदी साहब हरियाणा में आए थे, इनको ये भी बताना चाहिए था कि मोदी साहब ने हरियाणा को अपना दूसरा घर बताते हुए ये वायदा भी किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे ये वायदा करके वोट ले लेते हैं। आप
एसवाईएल का पानी प्रदेश को मिलेगा ये वायदा करके वोट ले लेते हैं। यार एसवाईएल के मामले में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रदेश के हक में आया हुआ है। हमारा विरोध इस बात का है कि अमित शाह जी 15 फरवरी को आए लेकिन उससे पहले प्रदेश के इन हकों के बारे में कोई माकूल जवाब दे कि एसवाईएल का पानी प्रदेश को कब मिलेगा। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जैसा कि आपने अपने घोषणा पत्र में बाकायदा कहा था किसान को उसकी लागत का 50% लाभ देंगे, वो कब मिलेगा? इन बातों का जवाब अमित शाह जी को देना होगा। अगर अमित शाह जी ने कोई माकूल जवाब नहीं दिया तो इंडिया नेशनल लोकदल बाकायदा विरोध करेगी, काले झंडों से विरोध करेगी। यादव सिंह जी ने आज क्लियर भी किया। एक चीज और है, देखिए, एक आपने शुरुआत में कहा कि कई बार फेल हो चुकी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में, अकेले कानून व्यवस्था नहीं जोती, हर मोर्चे पे सरकार फेल हुई है। चाहे आप युवाओं के रोजगार की बात करें, ये सरकार फेल साबित हुई है। चाहे आप देखिए अभी कर्मचारियों का आप गैस टीचर विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहा है, अर्धसैनिक बलों की मांग की गई है केंद्र से, इस तरह की तैयारियां की जा रही है हरियाणा में। हरियाणा सरकार की ओर से संतोष दहिया जी, यशपाल मलिक की ओर से साफ कर दिया गया कि समानांतरिक रैली निकाली जाएगी, बाइक रैली के बराबर में ट्रैक्टर ट्रॉली जो है खड़े किए जाएंगे, बाइक्स को रोका जाएगा। आपका क्या स्टैंड है? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबका विरोध इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार के अगेंस्ट सब लोग खड़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये है, ये लोग जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार जो अलायंस के साथ सरकार बनी हुई है, वहां ये 9,730 केस ऐसे वापस लिए जाते हैं जो हमारे वर्दीधारी लोग, जो हमारे देशभक्त लोग हैं, जो हमारी भारतीय सेना है उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, लात थप्पड़ गुस्से मारते हैं, उन लोगों के केस ही वापस लेते हैं, 4,000 से ज्यादा लोगों को माफी दी जाती है। ऐसे में केवल 1117 केसेस हरियाणा में हैं, उनमें से कभी ये कुछ लेते हैं, कभी आज 70 की अनाउंसमेंट हुई है, पहले 28 की अनाउंसमेंट हुई है, एक 153 की अनाउंसमेंट हुई है। हाँ। क्यों, क्या 1117 केस क्या वापस नहीं लिए जा सकते? ये उन लोगों के अगेंस्ट केस हैं जो झूठे आरोप में फंसाए गए हैं। जो केस इन्होंने वापस लिए हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो केस वो लिए जा रहे हैं जिनमें कुछ है ही नहीं, इनको वो आज भी वापस लेने हैं। इसी वक्त हटाए जाने की क्या दरकार क्या पड़ जाती है सरकार को, इसी वक्त ये घोषणा की जाने की? एक और बात मैं बताऊंगी ज्योति जी, ये जो केसेस वापस ले रहे हैं, इन केसेस में कुछ है ही नहीं। जो केस आज, जो बच्चे आज जेलों में बंद हैं, उनके अगेंस्ट झूठे केस मुकदमे दर्ज करे गए हैं। अभी बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही थी कि मर्डर के केसेस, मर्डर किए किसने? मिलिट्री बुलाई इन्होंने, इन्होंने नियत्थे लोगों के ऊपर गोलियां दागी। शायद हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जाट आरक्षण में लोग अपने अधिकार के लिए बैठे थे और इन लोगों ने मिलिट्री बुलाकर उन नियत्थे लोगों पर, इनोसेंट लोगों के ऊपर गोलियां दागी। ये आप इन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात करूं तो टोटली हरियाणा सरकार टोटली फेलियर है। आप ये फेलियर है, सच्चा सौदा में क्या हुआ? जब धारा 144 लग चुकी थी उसके बाद लाखों लोग वहां क्यों एकत्रित होने दिए? हमने जिक्र किया कि कई बार सरकार फेल नजर आई, कई बार सरकार फेल नजर आई, अभी चुनौती है सरकार कैसे पार पाएगी, हमने शुरुआत में इसकी चर्चा की। धीमान साहब, क्या मायने समझे जाए इस दौरे के? देखो दौरा तो राजनीतिक है ही, और हरियाणा के चुनाव जो आने वाले हैं तो पूरे देश में आने वाले हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव भी हमारे साथ नज़दीक हैं। बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा चिंता राजस्थान, हमारे से पहले चुनाव में चला जाएगा तो राजस्थान के साथ, क्योंकि हरियाणा लगता है राजस्थान के उपचुनाव बीजेपी हार गई है, तो हरियाणा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव की भी चिंता है। वो यहाँ अमित शाह यहाँ पर आकर बीजेपी के संगठन को, बीजेपी के कैडर को सक्रिय करना चाहते हैं जी। और उसका तरीका है कि उन्होंने बाइक रैली ये खाली हरियाणा के लिए नहीं तय की है। हाँ। ये पूरे उनका जो पूरा पूरे देश में, पूरे राज्य में जो वो जाएंगे, पूरे राज्य में बाइक रैली ही निकालेंगे जी। शुरुआत यहाँ से हो रही है, हरियाणा से हो रही है। ये तो है राजनीतिक बात, और हर राजनीतिक दल के अध्यक्ष को, राजनीतिक दल को अपने कैडर को सक्रिय करने का अधिकार है। INLD प्रदेश में वो सक्रिय ही रहती है, जब से वो सत्ता में रहती है तभी सक्रिय रहती है, सत्ता में नहीं है तभी सक्रिय रहती है, तो ये तो सक्रिय रहते हैं। जो आपका आज का केंद्र बिंदु है आपकी डिबेट का, वो दो विषयों पे है। एक तो इनका विरोध, राजनीतिक दलों के द्वारा विरोध, उसके लिए लाइन ऑर्डर के लिए कितनी तैयारी है, और दूसरा जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने जो एक पैरेलल उसकी बात की है और उसको रोकने की बात की है, इन दो विषयों पर मैं, अगर आप चाहें तो
तो मैं उसके बारे में कुछ तथ्यात्मक बात आएंगे आपके पास, तथ्य भी पेश कीजिएगा। अभी नीलम जी आप ये बताइए कि मुश्किलें कितनी रहेंगी कि अर्धसैनिक बलों को आप बुला रखे हैं, पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई। यहाँ मैं थोड़ा सा यही मैं कहना चाहता था आपको, आपका मेरी डीजीपी से बात हुई, अभी कोई अर्धसैनिक बल या केंद्रीय पुलिस बल नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। गलत बात, गलत जानकारी हो रही, मैं इसलिए डिबेट पे सारे तथ्य आपके पास आएंगे, तथ्य पेश कीजिएगा। लेकिन जिस तरह की बातें निकल कर गलत, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको सही बता रहा हूँ, कोई अर्धसैनिक बल नहीं बुलाया, छुट्टियां रद्द करना तो सरकार का काम है। ठीक है, सरकार का काम है। धीमान साहब आपसे पूछेंगे, जवाब दीजिएगा। नीलम जी क्या लगता है आपको, जितनी तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, किसी तरह का डर है, किसी तरह का खौफ है फेलियर को लेकर? नहीं, किसी भी तरह का नहीं है, हर तरह की तैयारियां पूरी हैं, रैली की भी हैं और सुरक्षा के लिए भी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी हैं। और रही बात जैसे अभी अत्रे जी ने SYL के बारे में कही थी, तो उसके लिए जो है अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन भी है, तो सीएम हरियाणा इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत है और उसके लिए जितना होगा उतना किया, जब वैसे भी वो किसानों के हमेशा पक्ष धर रहे हैं, तो जितना भी हम उसके लिए प्रयास करेंगे SYL का पानी जरूर हमें मिलेगा। लेकिन इसमें मैं आने से पहले जरूर मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी का समय नहीं ले सके, सर्वदलीय बैठक में बोला था, आप समझ सकते हैं कि आप कितने संजीदा हैं SYL के मामले में। मुलाकात जरूर की गई, लेकिन मुलाकात में क्या रहा, निकल कर सामने नहीं आया, बात इन्होंने कही, लेकिन जब सरकार में, जब ये लोग सरकार में आ गए हैं, उसके बाद जब सरकार में आने के बाद किसान कोई आंदोलन करता है तो उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। नीलम जी, जी बात पूरी तो एक तो ये कि SYL के लिए जो है सीएम हरियाणा उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत है और ये उनकी प्रायोरिटी भी है और उस पर काम भी कर रहे हैं और अवश्य उसको आने वाले समय में उसको पूरा भी कर लिया जाएगा, क्योंकि SYL है ही हमारी एक लाइफलाइन है हरियाणा। पत्र लिखा गया है कि उसका जवाब सकारात्मक दिया जाता है तो ठीक है, और ऐसी सूरत में सकारात्मक जवाब ना मिलने की सूरत में सकारात्मक बताएं कि 13 महीने के ज्यादा हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुए, 13 महीने में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया वो बता दीजिए जी। आप इसके थोड़ी सी अगर आप हिस्ट्री देखें ना जी, 22 फरवरी अगर आपको याद होगा, 22 फरवरी 2015 को जो उस वक्त सीएम हरियाणा थे हुड्डा जी, उन्होंने एक बुक का इनॉग्रेशन किया। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री, देखिए वो भी उस पे भी चर्चा कर रहे हैं, सीएम साहब ने क्या किया इस पेलोर में के प्रदेश में उसके हक का पानी मिल जाए। देखिए उनके 15 साल में इन्होंने कितने 20 करोड़ से ऊपर एडवोकेट्स पे खर्च कर दिया था, हमारे समय में आते ही सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन भी आया है, अभी उसमें काम का जो फैसला आ चुका था उसके बाद आप लोगों ने, यानी केंद्र सरकार ने क्या किया, एक वक्त ऐसा भी रहा जब पंजाब में आप लोग सत्ता के सहयोगी रखे, केंद्र में आप लोग रखे, हरियाणा में आप थे ही, उसके बावजूद सरकार ने क्या किया, हालांकि वो एक अलग पक्ष हो सकता है, लेकिन इनेलो जो जवाब मांग रही है उसका जवाब अमित शाह को जरूर देना पड़ेगा, विरोध का सामना नहीं करना। जी मैं वही आपको कह रही हूँ, उसके लिए पूरे प्रयासरत है हरियाणा और पंजाब के अंदर, करीबन 16 ऐसे वाटर रिलेटेड इश्यूज हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं, प्रयासरत हैं। मैं वही बात कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस मामले में शब्दों की बाजीगरी से ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री जी की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बावजूद। हालांकि नीलम जी जैसे ये तर्क दे रही थी कि कांग्रेस से कार्यकाल में, बिल्कुल सही है कि कांग्रेस किस केंद्र में रही है, प्रदेश में रही है, हरियाणा में रही है और पंजाब में भी रही है, उसके बावजूद इस मामले में कोई हल नहीं निकला, वही हालात इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के। एक तरफ तो ये मानते हैं कि SYL प्रदेश की लाइफलाइन थी, अरे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आप मेरी बात सुनिए, अभी आप जोश में बताइए, क्योंकि जब कांग्रेस पे बात आएगी तो आपको यह जवाब भी देना पड़ेगा कि पंजाब में कांग्रेस सरकार ने जल समझौते क्यों रद्द किए थे, आपको उसका भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका तरफ से किसी तरह का कोई कदम इस मामले में उठाया नहीं जाता है और आज हम जवाब मांग रहे हैं, चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो उसका इंपैक्ट होगा, जो दौरा होगा, उस पर चर्चा जरूर करेंगे। देखिए ऐसा है कि जहां तक उनके अमित शाह जी के दौरे का सवाल है, ठीक है, एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, वो आके रैली करे, इसमें कतई किसी को एतराज नहीं, एतराज केवल एक बात का है कि आपने जिन वायदों को करके वोट लिया, जिन वायदों को करके आप सत्ता में बैठ गए, आज प्रदेश की जनता अपने उस हक की मांग उठा रही है, प्रदेश की जनता चाहती है कि आप जवाब दें कि आप क्या किसान को उसकी लागत का 50% लाभ देंगे, और देंगे तो कब देंगे, दूसरा SYL नहर का निर्माण आप कब करेंगे, और प्रदेश के किसान को उसके हक का पानी मिले। इनेलो को लगता है 15 फरवरी को किसी तरह का समाधान मिल जाएगा। देखिए अभय सिंह जी ने चिट्ठी लिखी है अमित शाह जी को, अमित शाह जी उस चिट्ठी में क्या जवाब लिख के भेजते हैं ये उस पर निर्भर करता है, लेकिन एक चीज निश्चित
निश्चित है। अगर माकूल जवाब नहीं आया तो पुरजोर विरोध होगा। ठीक है, पुरजोर विरोध क्या जाएगा? रंजीता मेहता जी, आप लोगों के एजेंडे में क्या होगा, किन चीजों को लेकर विरोध करेंगे? ज्योति जी, आज बताइए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार क्या कर रही है? आपके सामने कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीतता जिस दिन हम बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनाओं को लेकर इस प्रदेश के अंदर चर्चा नहीं करते। आज हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि जब हम अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को घर बाहर भेजने से पहले 3 बार सोचते हैं कि उनको भेजे कि ना भेजे। आप ये बताइए, आपको याद होगा जींद में जब पिछली बार अमिशा जी की रैली हुई थी, वहां पर के कार्यकाल में नवंबर में 11 रेप और गैंग रेप हुए थे, सोनिया गांधी भी हरियाणा के दौरे पर आई थी, क्या उसी मुद्दे को लेकर आप लोग विरोध करेंगे जिसको लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि इन मसलों को लेकर राजनीति ना करें? मैं आपको ये बताना चाहती हूं ज्योति जी, वो आप कह रहे हैं कि 11 रेप हुए थे, अगर हम मैं भाजपा के आंकड़े बता दूं आपको, हरियाणा आज सोनिया गांधी खुद अपील कर रही है, सोनिया गांधी अपील कर रही थी, आपने सुना भी होगा कि सोनिया गांधी ने कहा कि इन मुद्दों को लेकर कम से कम राजनीति ना करें। तो अमित शाह जींद पहुंचेंगे, सरकार तैयारियां कर रही है दौरे की, विपक्ष तैयारियां कर रहा है विरोध की। इसी बीच अभय चौटाला क्या कहते हैं वो समय? उनमें दो प्रमुख वायदे हैं जो हरियाणा प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और आप हरियाणा प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए या अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अब जो आ रहे हो, यात्राएं कर रहे हो, तो यात्राएं शुरू करने से पहले हम आपसे इन दोनों बातों का जवाब चाहते हैं। एक तो आपका वायदा था कि SYL नहर का निर्माण करवाएं। आपने कहा था कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, 50% ज्यादा देंगे। ना तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेगी, ना किसान को 50% ज्यादा लेके आए, क्या लेके आए वो अपना करें, हम इस बात का कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई सही जवाब नहीं आया तो हम 100% काले झंडों के साथ उनका स्वागत करेंगे। तो अभय चौटाला को आपने सुना, ब्रेक से जाने पर चर्चा हमने की थी जिस तरह से कि SYL को लेकर, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लेकर इनेलो जो है खिलाफत करेगी, पत्र लिख दिया गया है, पत्र का जवाब जिस तरह का आएगा उसके लिहाज से इनेलो फैसला करेगी कि नकारात्मक अगर जवाब आता है तो पुरजोर विरोध किया जाएगा। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, चूंकि फरवरी को लेकर हरियाणा का जो इतिहास रहा है, पिछले कुछ दिनों की बात कर ले संतोष जी, बहुत बढ़िया नहीं रहा, एक बार फिर से फरवरी, एक बार फिर से धमकियां। देखिए ज्योति जी, इन्होंने बहुत वादे किए थे, उन वादों को के ऊपर सरकार खरी नहीं उतरी है। इन्होंने कहा था, और आपको ध्यान होगा, मैं बताना चाहूंगी, जब कांग्रेस की सरकार थी इन्होंने कहा था कि हमें एक्ट नहीं एक्शन चाहिए, जब महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई थी। आपको ध्यान होगा अब कितना एक्शन हो रहा है, 2014 के आंकड़े आप देख लीजिए, 34,000 महिलाओं रेप का शिकार हुई। उसके बाद आप देखे नहीं, मैं दो तीन चीजें, इन्होंने जब हमारे फौजी भाइयों के साथ इस तरह का अत्याचार पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, एक हमारे फौजी की गर्दन काटी गई थी, तब इन्होंने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजी थी कि अगर एक सर कोई काटेगा तो मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो 10 सर लेकर आऊंगा। टॉपिक हो जाएगा, सिर्फ इस बात पर अगर आप आए, आपसे अपील है सिर्फ इस बात पे आप आए कि यशपाल मलिक एक बार फिर से कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाट समुदाय पहुंचेगा। एक बार फरवरी को हरियाणा ने देखा जिस तरह की हिंसा देखी गई, जिस तरह का नुकसान हुआ। बिल्कुल, अमित शाह जी थे, प्रधानमंत्री जी थे, जब जाट समुदाय की उनके साथ मीटिंग हुई थी, इन्होंने वादा किया था कि हम जाट समुदाय को आरक्षण देंगे। ये अपने वादे से बार बार मुकरते हैं। जिस जस्टिस KC गुप्ता की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आरक्षण रद्द कर चुका है, ये उसी रिपोर्ट को लेकर आज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनको मालूम है जिन लड़कों के ऊपर केस किया गया है या जो जेल में है आज, वो इनोसेंट लोग हैं, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया गया है, इन्होंने मर्डर उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, जबकि 31 लोगों को मौत के घाट सरकार की तरफ से, या सरकार की मैं नाकामी कहूंगी, इस तरह से उनको मौत के घाट उतारा गया, और इसी तरह के उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आज ये कभी 28 की बात करते हैं, कभी 154 की बात करते हैं, क्या 1117 मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते, जबकि उन लोगों के मुकदमे वापस लिए जाते हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हैं, जो हमारी सेना के विरोध में नारे लगाते हैं, जो हमारी सेना की वर्दी फाड़ते हैं, जो हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर और लात थपथपाते हैं। बोलने से पूरे देश के सभी विषयों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। सिर्फ एक सेंटेंस में उस बात को मैं पूरा करना चाहती हूँ कि ये मामला कोर्ट में, और 1 सितंबर 2017 को हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से जब जाट नेता मुलाकात करते हैं, नहीं आप जब वार्ता की जाती है, प्लीज ज्योति, प्लीज आश्वासन दे देते हैं, दबाव की जानकारी नहीं होती कि अदालत अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, आप लोग आश्वासन दे देते हैं, पूरी राहत दे देते हैं आप लोग, प्लीज लिसन इट।
एक लेसनेट रिजर्वेशन मैटर, उस पर ऑलरेडी ऑर्डर पास हो चुका है और बैकवर्ड कमीशन उस पर काम कर रही है और 31 मार्च को उन्होंने इस पर अपनी रिपोर्ट भी देनी है और उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो ये तो इशू है ही नहीं। और दूसरा, ये जो जो जाट नेता है, जो सो कॉल्ड, ये हमेशा क्या करते हैं लोगों को बरगला कर, जाट नेता, हाँ वो रियल नेता नहीं है, वो सारे जाटों के नेता नहीं है, वो अपने आप को बहुत अच्छा सेंटेंस और मान मनोबल के लिए बुलाए जाते हैं उस सरकार नेता, वही चेतावनी दे रही है। ज्योति जी, मैं बताना चाहूंगी, ये सरकार कभी किसी गुट को बुलाती है, कभी किसी गुट को बुलाती है, कभी किसी की बात करती है, कभी किसी की बात करती है, क्योंकि डिवाइड करना है और रूल करना है, इनको कोई लेना देना नहीं आरक्षण से। मैं सीधी सीधी बात करना चाहती हूँ, सरकार उसकी संवेदनशील आरक्षण को लेकर नहीं है सरकार, अपडेट रखें। अगर ऐसा ऐसा अगर ये मामला होता विधानसभा में, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों की चर्चा की, एसवाईएल की बात की, लेकिन जाटों ने जो धमकी दी है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली ये लोग लेकर पहुंचेंगे, उस पर आप लोगों का स्टैंड क्या है? देखिए, जहां तक जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अल्टीमेटम की बात है या उनकी धमकी की बात है, उसके बारे में तो बेहतर है कि आप संतोष जी बताएं, क्योंकि जाट नेता है, या उनके कोई प्रवक्ता हो तो वो बताएं, क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं तो मैं उस विषय पर बात नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी हैरान कर रही है, राजनीतिक मजबूरियां भी क्या चीज होती है। नीलम जी, मुझे बड़ा दुख हुआ, आप मेरे साथ उस वक्त कई बार चर्चा में शामिल हुई जी। आप सांगवान गुट की तरफ से शामिल हुई जी। लेकिन आरक्षण के मामले में, सुनिए 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 सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, उस वक्त जो आपके तर्क होते थे, आज राजनीतिक मजबूरी ये है कि आपके तर्क उलट है, ये कतई नहीं होना चाहिए। मैं देखिए, ये मैं सुनिए 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 सुनिए, मुझे इस बात का बेहतर बहुत दुख है कि राजनीतिक मजबूरी आपको इस स्टेज पे लाके खड़ा करते अच्छा नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिस वक्त एसवाईएल का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था, हमने आवाज उठाई थी, उस वक्त भी अभय सिंह जी ने सभी राजनीतिक दलों से ये बात कही थी कि राजनीति से ऊपर उठ के सभी दल इकट्ठे होकर केंद्र सरकार पे दबाव बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू किए। और उस वक्त सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, मुख्यमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में, उनको उस वक्त भी कहा गया कि आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि प्रदेश के हक की बात है, किसान के हक की बात है। अब प्रधानमंत्री जी से जाके मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त कहा कि प्रधानमंत्री जी से मैं समय लूंगा। आप हैरान होंगे, आज तक मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी ने समय ही नहीं दिया मिलने का। अभय सिंह जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिखी कि हमें मिलने का समय दिया जाए, हम आपसे चाहते हैं कि प्रदेश की इस लाइफलाइन के बारे में आपके सामने तथ्य रखें। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर संजीदा होते तो समय देते, प्रधानमंत्री जी ने मिलने का समय दिया। ये हालात है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के, और उस प्रदेश के बारे में जिसको मोदी जी अपना दूसरा घर बताते थे। आज 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा धरती बंजर पड़ी है एसवाईएल के पानी के इंतजार में, ये बात अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं। हाँ। और इसका फायदा पूरे प्रदेश के साथ देश को होगा, अगर वहां पानी आता है फसल उगती है जी। इनेलो की ओर से जो बात कही गई, जो चेतावनी दी गई है, उसका कितना असर हो सकता है इस दौरे पर? नहीं, उसका तो 1% भी असर नहीं होगा। हाँ। ये काले झंडे दिखाएंगे, वो अपनी रैली करके चले जाएंगे, पुलिस कानून व्यवस्था बना के रखेगी, परिंदा पर नहीं मार सकेगा। वो तीन स्तरीय पुलिस व्यवस्था की है। हाँ। डीजीपी, आज एडीजीपी वहाँ पर गए थे और आईजीसीआईडी गए थे, 10 तारीख को डीजीपी खुद जाएंगे वहाँ पर, वो जाके उसके बाद कल बैठ के रणनीति बनेगी कि क्या हमें केंद्र से बल मंगाने हैं नहीं मंगाने हैं। ये तो है राजनीतिक व्यवस्था की बात। जहाँ तक है यशपाल मलिक गुट की बात, यशपाल मलिक गुट के नेता मिस्टर बलहरा कृष्ण बेदी जो हैं प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, उसके साथ कल भी मीटिंग हुई थी। आज मैं कृष्ण बेदी से बात करके आया हूँ आपके चैनल पे कि उसकी वस्तुस्थिति क्या है। उन्होंने कहा है कि 90 केस ऐसे हैं जो बिल्कुल जघन्य अपराध में जिसमें शामिल हैं जी। और वो कभी भी वापस नहीं हो सकते। अन्य जो छोटे मोटे केसेज हैं जिनको केस को वापस लिया जा सकता है, उनको केस को वापस लिए जाने की बातचीत चल रही है और कुछ लिए भी गए हैं। 31 लोगों की मौत हुई थी, उन्होंने कहा कि 30 लोग हरियाणा के थे, उसमें कुछ जात के और कुछ नाम जात के। अब बात पूरी कीजिएगा। उन सबको हमने पैसे उनके परिवार के लोगों को जी को काफी देर से मौका नहीं मिला। रंजीता जी आपका कमेंट। एक लाइन बोलूंगा ज्योति जी, केवल एक लाइन, दीवान साहब ने एक बात बोली बस उसका जवाब दूंगा। 30 लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी बोर्डों निगमों में यूनिवर्सिटीज में दी जा चुकी है, उनका ये कहना है। और 15 का जो विरोध है, जिसके लिए मैं बात को आपको कह रहा था बार बार, जो 15 का विरोध है वो ये कह रहे हैं कि हमारा उनसे बातचीत चल रही है, कल फिर बातचीत होगी, हो सकता है वो विरोधी ना करें।
अभी धीमान साहब ने एक बात बोली कि एनएलडी के विरोध का असर 0% भी नहीं होगा। हाँ, देखिए उनके सरकार तो ढीठ है, सरकार तो पिछले सवा तीन साल से विरोध कर रहे हैं, तो ढीठ है, उनकी सेहत पे असर नहीं है, लेकिन उस रैली पे असर होगा, हमारा विरोध प्रदेश के हक में होगा। आप देखिए प्रदेश की जनता इस बात को जानती है, अपनी बात क्या पाएंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसी प्रकार का बाधा मुझे नहीं लगता चले जाते हैं, वो तो उनको आदत है, लेकिन कितने लोग नाराजगी जाहिर करने का प्रतीकात्मक ये तरीका है कि आप काले झंडे दिखाएंगे, नाराजगी जाहिर की जाएगी। संतोष जी मैं आ रही हूँ आपके पास ही आऊंगी मैं। रंजीता जी, ज्योति जी, आप ये देखिए कि अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। पिछली बार जब जींद में रैली हुई थी, आपके सामने पूरे चैनल्स पे दिखाया गया कि उधर अमित शाह जी का संबोधन चल रहा था, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल रहे थे, और उधर जो महिलाएं खड़ी होकर विरोध कर रही थी उनके उनको रैली से धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा था। अब आप देखिए कि इन्होंने नया ट्रेंड क्या बनाया है, अगर इनकी रैली के अंदर कोई काला दुपट्टा, कोई काली शर्ट या काली पैंट पहन के भी चला जाता है, कभी डर कभी भी नहीं हुआ। अगर आप जनता के बीच में आ रहे हैं तो जनता को फेस करने का, सामने रखने का हौसला रखिए आप। आप ये देखिए कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम बाइक रैली निकालेंगे, हम युवाओं को बुलाएंगे, और दूसरी तरफ अगर युवा आके अपना वहां पर प्रदर्शन करते हैं या अपना विरोध जताते हैं तो उनके मुंह बंद करके आप उनको धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। तो ये विरोध ज्योति जी, इन्होंने जाटों को मीठी गोलियां दी, आज तक ये चुसा रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, जो लोग हमारी सेना, जिसके लिए भारत जाना जाता है, उस सेना के ऊपर जो पत्थर मांगते, 10,000 लोगों के केस वापस लिए जा सकते, तो 1117 लोगों के केस वापस क्यों नहीं लिए जा सकते। हाँ। दूसरी बात, ये बार बार जाट नेताओं को बुलाते हैं, वहां चर्चा करते हैं, गंभीर मामले बता रहे हैं कि 90 मामले ऐसे हैं जो गंभीर हैं, पत्थर फेंकने से ज्यादा गंभीर हैं। मुझे बताइए, गंभीर मामले से किया जा रहा है, मुझे बताइए ज्योति जी, रिपोर्ट को इन्होंने डस्टबिन में डाल दिया, ज्योति जी कास्टिंग की रिपोर्ट की कमेटी ने ज्योति जी मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए, अधिकारियों पर भी सवाल, गृह मंत्रालय पर, गृह मंत्री को यानी कि मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे दी गई थी, गृह मंत्रालय पर सवाल खड़े किए गए। ज्योति जी मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, प्रकाश सिंह रिपोर्ट में जो रिपोर्ट जो सबमिट की है, क्या इन्होंने उजागर की? नहीं की, क्योंकि उसमें यह बताया गया कि जो लड़के आज जेलों में बंद हैं वो उस कारण से बंद हैं कि एक वहां पर माहौल तैयार किया गया, सरकार ने एक अपने सांसद को छोड़ा, लोगों की भावनाओं से वो खेला, केवल आरक्षण की डिमांड कर रहे थे, उन लड़कों के ऊपर झूठे मुकदमे इन लोगों ने बनाए हैं, इन्होंने 31 लोगों को मौत के घाट उतारा है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए लोगों को, ये कर रहे हैं उन लोगों को जो आज जेल में स्थिति है। पार्टी के प्रमुख का, हालांकि सियासी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल ही होगा ये कि गेस्ट टीचर्स को जो वादे आप लोगों ने किए थे उनकी शिकायतें कम से कम सुनी जाएं। जी देखिए, अभी तक जितनी 3600 के करीबन घोषणाएं की गई हैं हमारी हरियाणा सरकार की तरफ से, और उसमें से करीबन 65% पूरी भी कर ली गई, और जितनी की बात हुई थी, वो पहली कलम कहां गुम हो गई, अगर कलम गुम हुई तो कम से कम उसका हिसाब दिया जाए, जब जवाब मांगा जाए, कम से कम जब तब जब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रमुख आ रहे हैं। ज्योति एक पॉइंट रह गया था कि जो हमने किसानों को 1.5 गुना प्राइस देने का, उस पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। ज्योति जी मेरी बात सही लग रहा है, उसके लिए आप बोल दीजिए, उन बेटियों की सुरक्षा की बात सरकार कभी नहीं करी, क्या उन महिलाओं को सरकार के अगेंस्ट खड़ा नहीं होना चाहिए? आज हम सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े, क्योंकि नीलम जी से मैंने सवाल पूछा, कायदे से उनका जवाब दर्शक सुन पाए उसमें मेरी मदद कीजिए। नीलम जी जवाब दीजिए गेस्ट टीचर्स को लेकर। जी गेस्ट टीचर्स के साथ भी बातचीत जारी है और उसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा, और उसके लिए ऑलरेडी उनके उनको शहादत पर बोला जाता है, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, जैसे हर शहादत पे बोला जाता है। आप लोग सरकार से पहले आश्वासन देते हैं, सरकार में आके आपको ये पता है कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है गेस्ट टीचर्स को लेकर?
नहीं, गैस टीचर को है ना, उनके अभी भी उनका एक साल एक्सटेंड किया गया था 31 मार्च तक, और उसके बाद भी सरकार को अदालतें याद आ रही है, कानूनी पेच याद आ रही है आपकी सरकार को गैस टीचर को लेकर। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक बात बताइए, जीरो टॉलरेंस बोलने वाली सरकार, जीरो टॉलरेंस बोलने वाली सरकार, और ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि मुद्दा क्या है। वो इनको आपके रामलीला शर्मा जी ने जंतर मंतर पर खड़े होकर ये बोला था कि पहली कलम से पक्का करेंगे आपको, चार साल हो गए वो कलम अभी तक पक्की नहीं है, कलम बनी है, तो आप वो कलम बनने वाली है, बन रही है कि बनने का ऑर्डर दे रहे हैं। नहीं, उस कलम से कुछ लिखने का टाइम आता है तो आप लोगों को अदालतें और कानून याद आ जाते हैं, ये भी कमाल है दीवान साहब। वो कलम, संतोष जी, मैं गैस, एक बड़ा विषय छेड़ा ज्योति जी ने, गैस टीचर्स का मामला जिस जो अध्यक्ष के नातेवान लिख के दे गए थे, मैं कलम से पक्की करूंगा, वही शिक्षा मंत्री है। बिल्कुल, और वो एक लाइन नहीं, मुख्यमंत्री भी एक लाल नहीं लिख सकते, कोई भी व्यक्ति गैस टीचर्स को रेगुलर नहीं कर सकता, वो सुप्रीम कोर्ट की अलग बात है, लेकिन जब आश्वासन नहीं गलत दिया था, जब वोट लेने होते हैं तब भारतीय विधान नहीं आती है, गलत दिया गया आश्वासन तो कम से कम बीजेपी माने कि हमने गलत आश्वासन दिया है, गलत आश्वासन दिया है, और जनता को, और जनता को, जनता महिलाओं की सुरक्षा के लिए आश्वासन दिया, जनता को, किसानों को आश्वासन दिया, महिलाओं को आश्वासन दिया, केवल आश्वासन दिए, जनता को जो ये नेता वादे करते हैं, ये वादे, इस पर बड़ा डिबेट चल पड़ा है कि जितने भी वादे किए जाते हैं ये कानून का रूप लिया जाना चाहिए, अगर कोई पूरी नहीं करे उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। प्रकाश सिंह बादल जो मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के सबसे वृद्ध हैं, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे पंजाब के, उन्होंने भी परसों ये बात उठाई है कि जो भी वादा किया जाए उसको कानूनी रूप दिया जाए। हाँ। वादा करते वक्त तो देखते नहीं है, जो कि पता था सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है जैसे ही रेगुलर टीचर आ जाएंगे गैस टीचर बाहर चले जाएंगे। ठीक है, क्यों एक लाइन में लिखने की बात करते हैं? दिल्ली सरकार अगर बिल ला सकती है, हालांकि वो अलग बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट बिल ला सकती है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बिल ला सकती है, बात नहीं करेंगे। अब मैं इस बात पर आना चाहूंगी अत्रे साहब, जिस तरह से वादे किए गए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों की बात कर लें, किसानों की आय की बात कर लें जो उसके साथ ही जुड़ा है, साथ ही एसवाईएल की बात कर लें और गैस टीचर्स की बात कर लें, क्या लगता है बीजेपी के वादों में ही घिरता नजर आएगा? निश्चित रूप से ज्योति, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के वक्त, अगर प्रदेश की बात करूं तो 154 के करीब वायदे थे जो इन्होंने जनता से किए थे, और जहां तक उन वायदों को पूरा करने की बात है, हैरानी इस बात की होती है, जब भी मांग होती है, चाहे हम कर्मचारियों की बात करें, चाहे हम किसान की बात करें, जब वो मांग करते हैं, युवा मांग करता है रोजगार की, जिस तरह के वायदे इनकी तरफ से हुए थे, तो इनकी तरफ से बड़े अजीबोगरीब तर्क, जो शब्दों की बाजी करी, प्रधानमंत्री जी का भी आपने पीछे पकौड़े बनाने वाला जो बयान सुना, तो इस तरह के तर्क आते हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल हो रहा है, धीमान साहब ने जिस तरह से बताया गैस टीचर्स के मामले में अगर कानूनी पेचीदगियां हैं, तो सरकार का कर्तव्य है कि युवाओं को रोजगार दे, पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी दे, और सरकार वो किस तरह से दे, चाहे उनको नई जॉब के अंदर अप्लाई करवाए, ये तो सरकार, देखिए इसका हल सरकार को निकालना है, और सरकार को अपने वायदे के हिसाब से हल निकालना चाहिए जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले, और यही कारण है, यही कारण है कि आज हर वर्ग, आज हर वर्ग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है, हर वर्ग मोर्चा लिए बैठा, चाहे कर्मचारी है वो सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, अब इसका यही कारण है, और सरकार के फेलियर की सबसे बड़ी वजह है। आपके विधायकों की चर्चा करेंगे, 2 फरवरी को जिस तरह से लंच दिया गया, सुधारक मंडल आपकी पार्टी में एक है कि जिस तरह से विधायक थोड़े अलग चलते नजर आती है, क्या लगता है उनको मनाए जाने की कोशिशें भी की गई थी इस दौरे के लिहाज से? जी देखिए, इस दौरे के लिए सभी एक साथ हैं और सभी उस समय उपस्थित भी होंगे, और सब लोग मोटरसाइकिल पे ही आएंगे क्योंकि एक मोटरसाइकिल रैली है, और जाली में जाके मंथन करते हैं, यहाँ बेटियों के साथ रेप होते हैं। नीलम जी बोलिए। जी, तो ये हमारी जो बाइक रैली है ये सक्सेसफुल होगी हर तरह से, और जो हमारी सरकार के द्वारा वापस क्यों नहीं लिए जा सकते, जब हमारी सेना के ऊपर पत्थर मारने वाले 4,000 लोगों को अगेंस्ट जो केसेस है वो वापस लिए जा सकते हैं, तो मुझे एक बात का जवाब बता दें जी। और एक अभी जो सवाल किया गया था किसानों और रोजगार के बारे में, मुझे ये बता दीजिए उनके ऊपर संदिग्ध आरोप किस बात के हैं, जबकि मर्डर उनका किया है आपकी फौज बुला के, आप लोगों ने राजनीतिक पक्ष की चर्चा कर ली, कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होगा जब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख पहुंचेंगे, जिनसे बिगुल वो फूकेंगे चुनाव का,
देखिए हमें किस बात की मुश्किल होगी, आज तो हम एक एक दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनावी बिगुल बजे और जनता इनको जवाब दे। इनको तो अमित शाह जी जब आएंगे तो उसी दिन ही इनको चेहरा नजर आ जाएगा कि हरियाणा का मूड क्या है। अभी आपके सामने राजस्थान की जो इलेक्शन हुए थे बिल्कुल साथ लगता है हरियाणा, और सारे चुनाव पांचों के पांचों ये हारे हैं, उससे इनको एक शंका हो चुकी है कि आने वाला समय बुरा है। उसी की दीपा पोती के लिए हरियाणा में एंटर करने की कोशिश की जा रही है, पर आने वाले समय आपको बता देगा कि उस दिन 15 फरवरी को अमित शाह जी को क्या क्या सामना पड़ना पड़ेगा। यहाँ पे युवा उनके विरोध में है, यहाँ पे कर्मचारी उनके विरोध में, यहाँ पे महिलाएं उनके विरोध में, यहाँ पर गेस्ट टीचर्स उनके विरोध में, यहाँ पर आशा आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है वो उनके विरोध में है, यहाँ पर विपक्षी दल उनके विरोध में है। चुनाव कौन से वर्ग को मुंह दिखा के जाएंगे, कौन सी बाइकों पे बैठकर कौन से लोग आपके पास पहुंचेंगे, पैसे दिए हुए वर्कर होंगे, वो भी आपको उस दिन जवाब देंगे। एक शगुफा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योति बार बार एक शगुफा छोड़ा जा रहा है, किसान की आय को 2022 तक दुगना करना। मैं जब जवाब देती हूं तब आप सवाल उठा देते हैं कि जब आप किसान की आय को दुगना करने की बात करते हैं तो आपको यह बताना चाहिए कि आज अगर विकास दर की बात करें वर्तमान में तो वो 1.3% के लगभग है विकास दर, और अगर आपको 2022 तक दुगना करना है तो आपको 12% प्रतिवर्ष ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन आप उसके ऊपर कोई ब्लू प्रिंट नहीं आपके पास, ना ही आप उसके ऊपर कोई रूपरेखा बताते हो, केवल एक नारा दे देते हो बदलाने के लिए। आप जाट समुदाय का पक्ष रख रही है इस पैनल में, ये जवाब दीजिए, क्या जाट समुदाय एक बार फिर से बटा नजर आएगा? देखिए जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है उससे पहले कभी किसी ने किसी की जाति पूछने की कोशिश नहीं की थी। इन लोगों ने वो जहर फैला दिया कि लोग आज जातियां पूछने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने जाट नॉन जाट का जो नारा दिया है इनका केवल और केवल एक मकसद है कि कुर्सी इनको कैसे मिले, वो एक तरीका इन लोगों ने अपनाया हुआ। जब मैं ये बार बार आपके चैनल से इसलिए बोलना चाहती हूँ कि 4000 लोग बटे नजर आएंगे, क्योंकि आपके आपके समुदाय के कुछ नेता भी मदद करते हैं इनको कुर्सी दिलवाने में, जिस तरह से बट जाते हैं। मैं उसकी बात मना नहीं करती हूँ, वो डेफिनेटली होता है, क्योंकि कुछ लोग सरकारी हो जाते हैं, कुछ लोग सरकार के इशारों पर चलते हैं, ऐसे लोग हो जाते हैं, वो हर जगह होते हैं। लेकिन समुदाय जो जाट समुदाय जिसको हम कहते हैं वो भोला भाला समुदाय है, उसके ऊपर गोलियां दागी जाती हैं, उनको आरक्षण के नाम पर हमेशा डिवाइड किया जाता है, उनको इसलिए बांटा जाता है कि वो खड़े हो जाएं और वो शोर मचाएं ताकि दूसरे लोगों में इकट्ठा करके कुर्सी ले लें। केवल इनका इतना सा मकसद है, ना तो ये आरक्षण के पहले पक्षधर थे, ना ये आज पक्षधर है, ना ये संजीदा है, ना ये आरक्षण की कोई बात करना चाहते हैं। बहुत छोटा जवाब, 10 सेकंड जी। देखिए पहली बात तो यार, मैं जब भी मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ आपके सवाल बदल जाते हैं, और जब सवाल बदलते हैं तो आप मेरे जवाब को आप एक्सेप्ट नहीं करते। पहली बात इतने बड़े नहीं है कि जो हरियाणा की ओर से लड़की आज जेल में बंद है वापस क्यों नहीं आ सकते। किसानों की आय दुगनी है वो 100% है, ज्योति एक भी सवाल का जवाब देखिए, ऐसे ऐसे चर्चा नहीं चल पाएगी। आखिर एक मिनट हमारे पास है, दीवान साहब, दीवान साहब, संतोष जी, संतोष जी, आपकी बात बार बार जो स्थिति अभी बनी हुई है उस पर आखिरी कमेंट आपका बहुत जल्दी। SYL के मामले में एक बहुत ऐसा तथ्य बताऊंगा आपको जो आपके दर्शकों को भी सुन के चौंकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद जब ये केंद्र सरकार ने कहा कि हम वार्तालाप कर रहे हैं इस SYL को बनाने के लिए, वो वहाँ पर एक ऐसी एफिडेविट दे दिया कि हम बातचीत कर रहे हैं, और आज तक प्रधानमंत्री के साथ बातचीत नहीं हुई है, केवल सचिव स्तर की बातचीत की है। हाँ। और इसको 9 महीने केवल केंद्र सरकार ने लटकाए, तो ये तथ्य लोगों को पता लगना चाहिए। नंबर वन, नंबर टू, गैस टीकेज वाला इशू था, बहुत शुक्रिया आपका, सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि प्रदेश सरकार यहां पे है कि वो जाए वक्त देने के लिए। तो चर्चा ये की अमित शाह पहुंचेंगे और शाही दौरा कितना मनोहर होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।